तुम लोग इक्वेशन पिछले एक पार्ट में बतलाए थे, दूसरा पार्ट ये है। इसके बाद दो ठो इक्वेशन और बच रहा है अलग से। हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जिसकी वीडियोग्राफी शुरू से एक से दो दिनों में शुरू करेंगे। क्योंकि इक्वेशन तुम लोगों को बतलाए हैं, इसलिए टेंथ का ये लास्ट चैप्टर का इक्वेशन अगर बना लोगी तो अभी नाइन्थ में हो, टेंथ हल्का हो जाएगा। समझे? तो समझते जाओ, जहाँ पर प्रॉब्लम हो हर हाल में पूछना। इसको चलो दो विधि से बतलाते हैं। पहला हो गया आंसर आठ, सात है ना, सात। दस बटा एक्स प्लस वाई प्लस दू बटा एक्स माइनस वाई बराबर चार, इसको मान लेंगे समीकरण एक। पंद्रह बटा एक्स प्लस वाई पाँच बटा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, समीकरण दो। दोनों समीकरण में विशेष बात कुछ है? बोलो। विशेष बात यह है, पहले समीकरण में अंश बटा हर, देखो एक्स प्लस वाई है पहला पद, दूसरे समीकरण में भी अंश बटा हर में नीचे वाला एक्स प्लस वाई है, इसमें भी एक्स प्लस वाई है। फिर पहले समीकरण के दूसरा पद में x माइनस वाई है, समीकरण दो में भी नीचे में x माइनस वाई है, यानी मिल रहा है ना। तो समीकरण एक और दो में अंश हर को अलग करेंगे। जैसे समीकरण एक से 10 बटा x प्लस वाई प्लस दू बटा एक्स माइनस वाई बराबर चार है। अंश हर को अलग करने का नियम क्या है? जैसे 10 के आगे किसी चीज़ का गुना नहीं है, इसका मतलब एक का गुना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने एक, 10 एक 10 बटा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर नीचे में जिसके नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे एक, तो 10 बटा एक गुने एक बटा एक्स प्लस वाई, ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला से होगा तो 10 एक 10 हो गया। नीचे में एक है तो एक को इससे गुना करेंगे इतना रह जाएगा। इस तरह अंश हर को अलग कर लेंगे। प्लस दो गुने एक बटा एक्स माइनस वाई बराबर चार। अब हम लोग एक बटा एक्स प्लस वाई को कुछ मान लेंगे, चूँकि ये तो पहला समीकरण तो रहे ना। दूसरा समीकरण जो है इसमें भी अलग करेंगे तो 15 गुने एक बटा एक्स प्लस वाई आएगा, जैसे ऊपर वाला में आया है। इसलिए एक बटा एक्स प्लस वाई को कुछ मान लेंगे, एम एन पी क्यू आर जो इच्छा हो। तो चलो इसको मान लेते हैं। माना कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर एम तथा 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर एन मान लिए। समझे? अब इसको मान लिए हैं एम। देखो 1 बटा एक्स प्लस वाई को एम मान लिए हैं, तो इसको पूरे को एम माने हैं, तो 10 गुने एम लिखाएगा। तो ये हो गया तुमको 10 गुने एम, एम बराबर एक बटा एक्स प्लस वाई, एक बटा एक्स प्लस वाई ये चीज़ आ गया, प्लस दो गुने एन, इसको एन मान लिए बराबर चार। और 10 एम प्लस दो एन बराबर चार। यहाँ से हम लोग एम का मान निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अगर इसको समीकरण तीन मान लेंगे इसमें भी ऐसा होगा, तब लुप्तीकरण विधि अपनाएंगे। तो चलो हम लोग यहीं पर इसको अभी और तोड़ेंगे। तो 10 एम बराबर चार प्लस दो एन आगे जाएगा तो माइनस दो एन
माइनस दो एन, इसीलिए एम बराबर चार माइनस दो एन दस नीचे आएगा। ये सब भुलाई नहीं है, तो ये समीकरण दो था, ये समीकरण तीन। इसके बाद समीकरण दो को हल करेंगे, एक को हल किए अब दो को। अब समीकरण दो को हल करने पर तो समीकरण दो में है 15 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो। इसको भी लिख सकते हैं, अलग करेंगे आंसर को तो 15 गुने एक बटा एक्स प्लस वाई, फिर माइनस 5 गुने एक बटा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो। समझे इसको, 15 एक बटा एक्स प्लस वाई को देखो क्या माने हैं, एम, तो 15 गुने एम माइनस 5 एक बटा एक्स माइनस वाई को एन माइनस दो, ये हो गया 15 एम 5 एन बराबर माइनस दो, और 15 एम माइनस दो, और माइनस 5 एन आगे जाएगा बराबर के आगे तो चिन्ह बदलेगा प्लस 5 एन, इसीलिए एम बराबर माइनस दो प्लस 5 एन बटा 15। समीकरण चार। यहाँ तक समझे। अब m बराबर इतना, m बराबर इतना, एक को समीकरण तीन, एक को समीकरण चार माने, तो तीन और चार से दोनों m ही का मान है तो दोनों बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण तीन एवं चार से, समीकरण तीन एवं चार से, चार माइनस दो एन बटा दस बराबर माइनस दो प्लस 5 एन बटा 15। बोलो अब क्या करेंगे, तिरछा गुना तो कर सकते हैं। एक बात और बतलाए थे, देखो इसको एक तरफा गुना करने पर अगर कटे तो एक तरफा गुना करेंगे, जैसे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मान लो इस 10 को हम यहाँ गुना कर दे तो 10 और 15 तो कट जाएगा, नहीं तो इसको 15 से गुना करो और इसको 10 से गुना करो तो थोड़ा सा लगेगा हिसाब किताब करने में, ज़्यादा काट कूट करना होगा, तो ये ध्यान रखना। जैसे देखो x बराबर 10 दिया हुआ है, समझे, अब 5 बटा इधर मान लो 25 दिया है, तो तिरछा गुना हम लोग करेंगे। नियम ये है, बराबर के पहले एक भिन्न हो, अंश बटा हर एक भिन्न है, बराबर के आगे एक भिन्न हो, अंश बटा हर तो तिरछा गुना होता है, लेकिन तिरछा गुना में एक तरफा गुना भी बतलाए हैं ना कर सकते हैं, तो ये तो यहाँ जाएगा जब गुना के रूप में तो 10 ऊपर 25 नीचे, तो 10 5 से कटेगा 25 भी 5 से, या इसी 25 को यहाँ लाएंगे तो 25 गुने एक्स 25 और 10 कटेगा, तो हर को देख लेना, अगर कटने वाला है तो एक ठो यहाँ जाएगा एक ठो यहाँ आएगा, तो बेहतर है इसको उठा करके यहाँ रख दो, काट दो, तब बात छोटी हो जाएगी। जैसे इसको तिरछा गुना मान लो हम नहीं करते हैं तो एक्स एक तरफा गुना करेंगे तो 5 गुने 10 बटा 25 है तो 5 एक 5, 5 25, 5 एक 5, 5 दूनी 10 डायरेक्ट आ गया, एक्स बराबर 2 आया एक पंक्ति में, अन्यथा वैसे जो तिरछा गुना करोगी तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, जो मैथमेटिकली सही होगा यानी गणित के अनुसार सही होगा लेकिन लंबा हो जाएगा, तो विद्यार्थी जब ट्रेंड हो जाता है ना तो छोटा विधि को अपनाता है। अब यहाँ पर जैसे तू लोग तिरछा गुना करेगी तो 25 गुने एक्स यानी
पच्चीस एक्स, दस पंचे पचास, इसीलिए एक्स बराबर पचास बटा पच्चीस। तो पर भी दुई आया ना, तो एक तरफा गुणा करने का कब करेंगे, जब बराबर के पहले हर के रूप में मतलब नीचे में, अब बराबर के आगे नीचे में मिला लेना जो कटने वाला है, तब एक तरफा गुणा कर देना, याद रहेगी इन बात। तो यहाँ पर हम लोग चार माइनस दू एन बराबर माइनस दू प्लस पाँच एम बटा पंद्रह लिखेंगे अंश बटा हर, ये दस जो है कहाँ जाएगा बोलो, यहाँ पर नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, पाँच एन है ना, यहाँ होगा दस। अरे कोस्ट में नहीं, वैसे इसको कोस्ट में देंगे तब सही है, सो बोली ना, क्योंकि इस दस का गुणाई ऊपर में अंश से, अंश दो ठो है मतलब पहला पद दूसरा पद दो पद में रहे, तब हर हाल में कोस्ट दो, नहीं तो हिसाब ही गलत हो जाएगा। या थोड़ा हटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो कोस्ट दो या माइनस दू प्लस पाँच एन बटा पंद्रह, ये हो गया भिन्न, अंश बटा हर गुणे, ये दस को यहाँ दे दो, तो इसका अर्थ है ये दस बटा एक इससे बिल्कुल अलग है ऐसे, या यहाँ देंगे तो कोस्ट तब गुणे दस, ये सब थोड़ा याद रखना मैथमेटिक्स है। तो पाँच या पंद्रह, पाँच दूनी दस, अब ये हो गया चार माइनस दू एन, ये दू जो है ये दोनों में गुना होगा, पूरा न है अंश, ऐसा ना जो इसमें गुना करके छोड़ देना या इसमें गुना करके छोड़ देना, ऐसी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि दू बिल्कुल अलग है, तो दोनों में गुना करेंगे, तो यहाँ प्लस है, ये दू नहीं प्लस दू है ना, तो प्लस आ माइनस, दू दूनी प्लस छिपा है प्लस प्लस प्लस, दू पंचे दस एन, नीचे में तीन बचा है, अब नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो फिर तिरछा गुना करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं पूरा ही अंश है, और नीचे में एक दे देंगे, तो तीन चौका बारह प्लस माइनस माइनस, तीन दूनी छ एन माइनस चार प्लस दस एन, जिसका मान निकाल रहा है इसको बराबर के पहले लिखेंगे, यहाँ माइनस छ एन, ये प्लस बारह को बराबर के आगे ले जाना है, अब प्लस दस एन बराबर के पीछे आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस दस एन बराबर माइनस चार, पीछे में क्या छोड़े हैं प्लस बारह, तो बराबर के आगे जाएगा तो माइनस बारह, समझ रही है साक्षी, तू जन्म का तू, चलो इसको क्या करेंगे, कितना होगा, कन्फ्यूजन नहीं ना है, ऐसा ना जो माइनस माइनस प्लस कर दो, अनर्थ हो जाएगा, ये गुना नहीं है, एक लाइन में हो ना तो समान चिन्ह वाले जोड़ दिए जाएंगे, समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं, बेस ऑफ अलजेब्रा में जोड़ सिखाए थे, याद है ना, तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी एन है, ये भी एन, तो माइनस छ एन और माइनस दस एन माइनस सोलह एन, तो माइनस सोलह एन बराबर माइनस सोलह होगा ना, माइनस सोलह, तो इसीलिए यानी ये है माइनस सोलह एन बराबर माइनस सोलह है, तो किसका गुना किसके साथ है, एन का मान निकालना है, तो ये माइनस सोलह गुने एन है, तो एन को रख लेंगे, अब माइनस सोलह गुना में है, तो जो गुना में रहता है बराबर के आगे नीचे आ जाता है, तो यहाँ माइनस सोलह है, ये माइनस सोलह आ गया, माइनस माइनस कट गया, सोलह कैन सोलह, सोलह कैन सोलह बराबर एक, इसलिए एन बराबर एक होगा, एन का मान निकल गया, तो एन का मान निकल गया एक, अब एन का मान जो है
किसी समीकरण में रख दो, समीकरण तीन या चार में, जिसमें इच्छा हो तो m का मान निकल जाएगा। n बराबर एक निकला तो n का मान तीन या चार किसी में रख सकते हैं, किस में रखे, तीन में रखते हैं। अब n का मान समीकरण तीन में रखने पर तो तीन हो गया तुमको m बराबर चार माइनस टू एन बटा दस, चार माइनस दू, दू एन के बीच में गुना है, n का मान एक तो एक कितना हो गया चार, दू एक एन दू बटा दस, और m बराबर चार में से दू गया दू, दू एक एन दू, दू पंचे दस, इसीलिए m बराबर एक बटा पाँच। तो m बराबर आया एक बटा पाँच, n बराबर एक आया। अब देखो हम लोग m किसको माने हैं, तो यहाँ हम लिख दिए हैं m माने हैं इसको, n माने हैं इसको, तो दोनों में मतलब m और n का मान बैठाएंगे। इधर हो गया तुमको लिखेंगे अब m का मान रखने पर, यानी चूंकि m बराबर वन प्लस एक्स प्लस वाई, वन बाय एक्स प्लस वाई, एम का मान कितना एक बटा पाँच, तो एक बटा पाँच बराबर एक्स प्लस वाई इतना होगा। बोलो आप क्या करेंगे, ठीक है एक्स प्लस वाई को एक से गुना करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, पाँच एक पाँच हो जाएगा, इसीलिए एक्स प्लस वाई बराबर एक से गुना किए तो एक्स प्लस वाई पाँच एक पाँच, ये हो गया समीकरण कितना होना चाहिए। चलो हम लोग मानते हैं पाँचवा चार हुआ होगा, एक्स प्लस वाई बराबर पाँच। अब जो है n का मान इसमें रखेंगे, चूँकि n बराबर एक बटा एक्स माइनस वाई, एन बराबर कितना आया है एक, एक बराबर एक बटा एक्स माइनस वाई, तिरछा गुना करेंगे एक्स माइनस वाई को एक से तो एक्स माइनस वाई एन रह जाएगा बराबर एक। समीकरण छः, ये पांचवा समीकरण देखो, ये छठा देखो, भूस्खलन समीकरण हो गया, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो समीकरण पाँच एवं छः को जोड़ेंगे तो प्लस वाई है माइनस वाई कट जाएगा ना, तो समीकरण पाँच एवं छः को जोड़ने पर ये बात लिखना होगा, फिर हम दे देंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर पाँच, इधर हो गया एक्स माइनस वाई बराबर एक, ये कट गया एक्स एक्स टू एक्स पाँच एक छः, इसीलिए एक्स बराबर गुना है तो अंक बराबर के आगे नीचे आएगा बराबर तीन, द्वितीया छ इसीलिए एक्स बराबर तीन, समझे। अब पाँच या छ में मान रख दो तो चलो पाँच में ही रखते हैं, एक्स का मान तीन आया है तो यहाँ तीन रखेंगे समीकरण पाँच में, तो तीन रखेंगे समीकरण पाँच में x का मान रखने पर, तो ये लिखेंगे x प्लस वाई बराबर पाँच, एक्स का मान तीन जोड़ y बराबर पाँच, और y का मान निकालना है, इसको रखेंगे ये प्लस तीन बराबर के आगे जाएगा तो माइनस तीन, ये पाँच प्लस तीन आया तो माइनस तीन, इसलिए y बराबर दो, y बराबर दो, x बराबर तीन निकला ना आंसर। अब देखो सही है कि गलत, समीकरण को चेक करना बतला दिए थे ना,
ये एक्स और वाई का मान आया है, तो मान लो ये आंसर सही है कि गलत, तो हम लोग समीकरण को ही चेक करेंगे। जो एक्स वाई का मान रखते हैं तो इसको LHS को बराबर के पहले हल करेंगे, ये चार आया तब तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है, तो समीकरण इसको चेक करते हैं। 10/x + y इतना है, मतलब चार आना चाहिए हल करके, तो 10x कितना 3, y 2, x का मान 3 माइनस 2, 10 × 3 = 5, 2 × 3 = 1, 5 × 2 = 10, 2/1 यानी 2, 2/1 का मतलब 2, 2 = 4 आ गया, आगे में है सही है, ये भी चेक करेंगे तो सही होगा। तो इस विधि को समझे, इसके बाद दूसरा विधि देखो। ये दूसरी विधि है, समझे? पहले तो समीकरण का नाम रखेंगे, तो इस समीकरण पहला हो गया 10/x + y, 2/x - y = 4, इस समीकरण चलो इसी में मान लेते हैं, ये समीकरण एक, ये हो गया समीकरण दो। तो समीकरण एक को हल करने पर कितना होगा लगता है, बोलो तो, x + y, x - y का जिसका लघुतम नहीं निकले उसको गुना कर दिया जाता है। तो इसको गुना करेंगे तो डायरेक्ट गुना करेगी तो तुम लोग बात को नहीं समझेगी। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं x + y × x - y, एक तरह से गुना ही हो गया, तो होगा, लेकिन x²-y² में फिर x + y से भाग अलग से देकर दिखलाना होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना जी। अब इसमें इससे भाग देंगे तो देखो ये कट जाएगा जी। ध्यान दो, इसमें इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा ये, तो इसको 10 से गुना करेंगे, यानी 10 वो गुना करना है, दो पद में है इसलिए कोष्ट में x - y देंगे, बात को समझे जी। फिर ये प्लस, अब फिर ध्यान दो, इतना में इससे भाग दो, इतना में इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, बच जाएगा x + y, जिसको 2 से गुना करेंगे x + y को, दो पद में है, एक से अधिक पद हो तो कोष्ट देना ही होगा, तो 2 ये कट गया, बच गया x + y, बोलो इतना लिखेंगे जी। बराबर 4, 10 को x से गुना करेंगे 10x, प्लस माइनस माइनस, 10 को y से गुना करेंगे 10y, फिर प्लस, 2 को x से गुना करेंगे 2x, प्लस प्लस प्लस, 2 को y से गुना करेंगे 2y। अब नीचे वाला को गुना कर दो, ये किस तर्ज पर है, a + b × a - b के तर्ज पर, तो a² - b² यानी x² - y² होगा ना, तो x² - y² = 4, इतना समझे। अब तिरछा गुना में इसको कर दे, अगली पंक्ति में इसको इससे गुना करेंगे, चलो इसको उठाकर अब ये यहाँ रख दे, बात समझ जाएगी, तिरछा गुना होगा तो ये आ जाएगा 4 को x² से गुना करेंगे 4x² - 4y² ही हट गया, बोलो समझे इसको।
दस एक्स और प्लस दू एक्स बारह एक्स माइनस दस वाई प्लस दू वाई तो माइनस आठ वाई बराबर इसमें चार कॉमन है, चार दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना समझे, जहाँ नहीं समझेगी वहीं बोलना। तो ये नीचे वाला लाइन हुआ यहाँ, इतना है। इसको पहले ले आएंगे, इसको आगे दे देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो चार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बारह एक्स माइनस आठ वाई। चलो ब्रेन लगाओ, तो पीछे में चार कॉमन है, आगे में भी कुछ कॉमन है क्या? चार ही कॉमन है, चार गुने तीन चार गुने दू तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर चार कॉमन लेंगे तो चार को कितना से गुना करेंगे? बारह होगा तो तीन चार तिया बारह एक्स माइनस चार दूनी आठ वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पूरा कोष्ठ एक पद होता है तो चार गुने इतना है तो इसको रखेंगे तो ये चार आगे में नीचे जाएगा तो ये है चार थ्री एक्स माइनस टू वाई बटा ये चार यहाँ आ गया, चार चार कट गया यानी हट गया। बोलो इतना रहा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक मान ये निकला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर तीन एक्स माइनस दू वाई। इसको समीकरण तीन मान लेंगे, समझे? अब कहोगी एक्स का मान कहने निकालेंगे तो दूसरे में भी यही बात होने जा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकलेगा। इसी तर्ज पर है ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो पहला को हल किए तो हमको ये तीसरा समीकरण कैसे प्राप्त हुआ, समझ गई? अब दूसरा समीकरण को हल करेंगे। पंद्रह बटा एक्स प्लस वाई लिखेंगे समीकरण दो को हल करने पर, दो हो गया तुमको पंद्रह बटा एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स बटा एक्स में पाँच है, बराबर माइनस दो। लगतम लेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा, अभी गुना पहला स्टेप में नहीं करके इतना लिख सकते हैं। अब इतना में इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बच जाएगा जिसको पंद्रह से गुना करना है। तो दो पद है इसीलिए दो पद रहे, एक से अधिक पद रहे तो कोष्ट में लिखेंगे दो या तीन या चार या पाँच। तो ये पंद्रह ये कट गया तो एक्स माइनस वाई फिर माइनस इसमें इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा बच जाएगा ये, तो एक्स प्लस वाई का गुना पाँच से करेंगे तो पाँच एक्स प्लस वाई बराबर माइनस दो। पंद्रह को एक्स से गुना करेंगे पंद्रह एक्स प्लस माइनस माइनस, पंद्रह को वाई से गुना करेंगे पंद्रह वाई माइनस प्लस माइनस, पाँच को एक्स से गुना करेंगे पाँच एक्स माइनस प्लस माइनस, पाँच को वाई से गुना करेंगे पाँच वाई बटा ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस दो।
तिरछा गुना होगा इसका इसका, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो यहीं पर नीचे वाला लाइन के बदले यहीं लिख देते हैं उसको गुना करके, तो ये होगा दो गुने, ये यहाँ आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हट गया। बोलो समझे इसको, कि इतना बराबर इतना है, 15x माइनस 5x यानी 10x माइनस 15y और माइनस 5y समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं, तो माइनस 20y बराबर माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझे इतना, अब ये हो गया 10x माइनस 20y बराबर माइनस 2 गुने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना हुआ। दाएं वाले को बाएं ला सकते हैं बिना चिन्ह परिवर्तन किए, बराबर के आगे वाला को उठा करके पीछे रख दो, तो पीछे वाला का भी बिना चिन्ह परिवर्तन किए बराबर के आगे रख देंगे। समीकरण के नियम में बेस ऑफ अलजेब्रा में बतलाया है ना ये, तो इसको पहले लाएंगे, ये हो गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 10 एक्स माइनस 20y। अब माइनस 2 गुना है, ये एक पद है, इसको रखेंगे तो जो गुना में है बराबर के आगे नीचे आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रख लेंगे, तो ये गुना वाला आगे में 10x माइनस 20y बटा माइनस 2 होगा। इतना इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, आ रहा है ना? यहाँ माइनस को हटाने के लिए ऊपर नीचे माइनस 1 बटा माइनस 1 से गुना कर देंगे, कट करके 1 बटा 1 कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो नीचे वाला माइनस हट जाएगा। कैसे हटेगा, तो माइनस 1 को प्लस 10x से गुना करो, माइनस और प्लस माइनस, 1 को 10 से गुना करेंगे 10x होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 20 से गुना करेंगे 20y माइनस गुने माइनस 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 प्लस, 2 प्लस छिपा रहता है। अब इसको प्लस वाला को पहले ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, तो तुमको ये हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इतना। इसमें कॉमन है दो है ना, 2 × 5 2 × 10, तो 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 को कितना से गुना करेंगे तो माइनस 10 होगा, तो ये प्लस 2 है प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस छिपा है, प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10 होगा 5x, समझे? यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस यहाँ प्लस देंगे तब ना, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 2 कॉमन लिए हैं, तो 2 × 20 यानी 10y बटा ये 2, अब 2 कट गया, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, देखो प्लस वाला को पहले लिख दे, प्लस 10y लिख सकते हैं ना, प्लस छिप गया, अब माइनस 5x आगे कर दो, तो 10y माइनस 5x, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकला, इससे पहले पहला समीकरण में इतना निकला था, इसको मान लेंगे समीकरण 3 है, तो समीकरण 4, तो दूसरा को तोड़े तो हमको समीकरण 4 प्राप्त हुआ, पहला को तोड़े थे तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ, दोनों में
एक ही तरह का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये मान है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है, तो समीकरण तीन और चार से ये बराबर ये होगा, इसमें दो मत नहीं है। तो दोनों समीकरण से अगर हम लोग बराबर करेंगे तो किसी न किसी का मान निकलेगा। समीकरण तीन एवं समीकरण चार से दोनों है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ही मान, इसीलिए ये और ये बराबर हो जाएगा तीन और चार से, यानी तीन एक्स माइनस दू वाई बराबर दस वाई माइनस फाइव एक्स होगा। इतना तीन एक्स माइनस पाँच एक्स को बराबर के पहले लाएंगे तो चिन्ह बदल कर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पाँच एक्स होगा। ये दस वाई है, माइनस दू वाई बराबर के आगे जाएगा तो प्लस दू वाई होगा, तीन पाँच आठ एक्स दस दू बारह वाई, इसीलिए एक्स बराबर बारह वाई, ये आठ नीचे आ जाएगा, बारह वाई बटा आठ, चार से काटो, चार तिया बारह, चार दूनी आठ, तीन वाई बटा दू, तीन वाई बटा दू, यानी एक्स का मान कितना आया तीन वाई बटा दो, एक्स बराबर थ्री वाई बटा दो ये मान आया। बोलो यहाँ तक की यात्रा कैसी रही, समझी ना समझी तो अनारी है। तू लोग समझी, तू समझा, तो अब एक्स का मान निकल गया है तो किसी भी समीकरण में एक्स का मान रख दो, एक में रखो दो में रखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, रिजल्ट वही आएगा जो एक में रखने पर आएगा या दो में। तो एक्स का मान निकला तो समीकरण एक में एक्स का मान रखेंगे, तो समीकरण एक लिखेंगे पहले दस बटा एक्स प्लस वाई प्लस दू एक्स माइनस वाई बराबर चार, दस एक्स बराबर कितना तीन वाई बटा दो, तो एक्स के लिए रखेंगे तीन वाई बटा दो प्लस वाई प्लस दू, एक्स का मान तीन वाई बटा दो माइनस वाई बराबर चार और दस। देखो ऊपर वाला को भुला जाओ, इसको भिन्न जोड़ करना है तो y के नीचे एक है तो दो एक का लघुत्तम दो, दो में दो से भाग देंगे एक, एक को तीन वाई से गुणा करेंगे तीन वाई प्लस यहाँ एक छिपा है दो, दो में एक से भाग देंगे दो, दो को y से गुणा करेंगे दो वाई। बोलो समझे, फिर प्लस दो बटा इसका लघुत्तम लेंगे, y के नीचे एक है दो और एक का लघुत्तम दो, दो में दो से भाग देंगे एक, एक को तीन वाई से गुणा करेंगे तीन वाई, फिर माइनस है नीचे में एक है तो एक से दो में भाग देंगे दो और दो को वाई से गुणा करेंगे दो वाई। बोलो समझे, बराबर चार। अब ये कितना हो गया, ये हो गया तुमको दस बटा तीन वाई दो वाई पाँच वाई बटा दो प्लस दो, तीन वाई में से दो वाई गया एक ठो वाई बटा दो बराबर, चलो अब क्या किया जाए बोलो तो। हाँ ये है ए बटा बी बटा सी के रूप में,
याद करो एको चीज हम नहीं छोड़ते हैं, जैसे ए बटा बी बटा सी तीन ठो रहे तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला गुना हो जाता है, ए गुने सी बीच वाला नीचे रह जाता है, तो इसके अनुसार दस और दो गुना हो जाएगा सबसे ऊपर ए बटा बी बटा सी, तो दस गुने दो यानी दस दूनी बीस होगा, बोल बटा पाँच वाई, ए बटा बी बटा सी के तर्ज पर है तो दो दूनी चार बटा वाई बराबर कटेगा पाँच एक पाँच, पाँच चौका बीस होगा ना, चार बटा वाई जोर चार बटा वाई बराबर चार वाई, वाई का लगतम वाई, वाई में वाई से भाग दिए एक को चार से गुना करेंगे चार, वाई में वाई से भाग दिए एक, एक को चार को गुना करेंगे चार बराबर चार, चार चार आठ बटा वाई बराबर चार, अब पलट दो या चलो ना तिरछा गुना कर दो, आठ चार वाई लिख सकते हैं चार वाई बराबर आठ, इसीलिए वाई बराबर आठ बटा चार, चार एक चार चार दूनी आठ, इसीलिए वाई बराबर दो, वाई का मान कितना आया दो। अभी वाई का निकला है ना, देखो ना पहली विधि में वाई का मान दो आया होगा, हाँ। आया है जी। विधि कोई भी हो आंसर वही आएगा, मतलब एक ही तरह का आंसर आता है। अब वाई का मान दो आ गया तो किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रखो या इसमें, मान लो इसी में रखते हैं दो समीकरण, दो में वाई का मान रखा है, तीन मिटा दिए हैं, बोलो 3x y बराबर छोड़ो नहीं इसी में रखो, दूसरा समीकरण में, समीकरण दो में y का मान रखने पर x प्लस वाई माइनस पाँच बटा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो पंद्रह, x प्लस y का मान दो माइनस पाँच एक्स वाई का मान दो बराबर माइनस दो, अब क्या करेंगे बोलो। एक बात और न बतलाए थे, लघुतम नहीं निकालना चाहती हो तो इसका गुना इससे कर दो, इसका गुना इससे कर दो, इसका गुना इससे कर दो, बतलाए थे ना, तो इसके अनुसार पंद्रह को एक्स माइनस टू से गुना करेंगे, तो एक्स को पंद्रह से गुना करेंगे पंद्रह एक्स प्लस माइनस माइनस पंद्रह दूनी तीस, इसका गुना इससे कर दिए, यहाँ माइनस चिन्ह है, देखो दो पद है, जब ये दो पद रहे तो हर हाल में कोष्ट दो, नहीं तो यहीं से गलती प्रारंभ हो जाएगी, तो पाँच को एक्स से गुना करेंगे पाँच एक्स प्लस 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 पाँच दूनी दस, नीचे वाला का नीचे वाला से कर दो, x प्लस टू को x माइनस टू से गुना करेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तर्ज पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह x है तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दो स्क्वायर, तो दो स्क्वायर का मतलब दो गुने दो दो दूनी चार होगा, यहाँ हो गया चार बराबर माइनस दो, समझ रही है ना, ये हो गया तुमको पंद्रह एक्स माइनस तीस माइनस प्लस माइनस पाँच एक्स माइनस प्लस माइनस दस बटा एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर माइनस दो, कितना है कितना होगा बोलो, पंद्रह एक्स में से पाँच एक्स घट गया तो दस एक्स बचा, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह वाला संख्या जोड़ देंगे तो माइनस तीस माइनस दस माइनस चालीस
इसको तिरछा गुना कर दो तो प्लस माइनस माइनस दो को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, दो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दो चौका आठ। अब एक्स स्क्वायर वाला को पहले लाओ तो बराबर के पहले माइनस दो एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये लिख लिए, ये प्लस दस एक्स है, इसको बराबर के आगे भेजना है। हाँ तो आठ है प्लस आठ, प्लस छिप गया माइनस चालीस बराबर के आगे जाएगा तो प्लस चालीस। तो ये इसमें देखो दो कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस दो पंचे दस कितना होगा, आठ चालीस अड़तालीस। यहाँ दो गुना में आ गया तो दो नीचे में चला जाएगा, बोलो समझे, चौबीस दूनी अड़तालीस काट करके चौबीस होगा। चलो कोष्ट हटा देते हैं, कितना आया समझे, ये आ रहा है पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंड विधि पर, जो कि तुम लोग को ट्रेंड करके सिखला दिए हैं तो उस विधि पर जिससे बनाओ, दोनों में ट्रेंड कर दिए हैं। तो ये हो गया और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, अब प्लस चौबीस को पीछे लाएंगे तो माइनस चौबीस बराबर जीरो। गुणनखंड विधि अपूर्ण वर्ग विधि, इससे पहले वाला में ऐसी बात तो नहीं थी, तो दोनों विधि से सीखो। एक तीसरा विधि भी बतला देंगे, इस हिसाब को हम चार विधि से बतलाते हैं, जब पढ़वे करती है तो ज़्यादा ज्ञान कहे नहीं लेगी। तो इस पार्ट में दूसरा विधि तक सीख जाओ, अगले पार्ट में तीसरी चौथी। चलो गुणनखंड विधि से बनाना है तो कितना होगा, गुणनखंड विधि में शुरू वाला को अंत वाला को गुना करते हैं, करते हैं ना, जैसे ये शुरू वाला को, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस चौबीस बराबर जीरो है, तो शुरू वाला को अंत वाला को तीन सहित गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस चौबीस को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, चौबीस एक्स स्क्वायर। तो बोले थे ना पहला उतार दो हु बहू, इसके बाद दो ठो बक्सा बनाओ, तुम लोगों से कई हिसाब बनवा चुके हैं। तो पहला उतार देंगे, अंतिम उतार देंगे, अंतिम में है माइनस चौबीस बराबर जीरो, बीच में दो ठो बक्सा बनाएंगे, ये दोनों बक्सा में जो लिखेंगे इसको जोड़ करके ऊपर वाला आना चाहिए, दोनों बक्सा में जो होगा गुना करके नीचे वाला आना चाहिए। तो दोनों बक्सा में जो लिखेंगे गुना करके माइनस चौबीस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब यहाँ पर एक ठो एक्स लिखेंगे यहाँ लिखेंगे तब ना आएगा, एक्स एक्स को गुना किए एक्स स्क्वायर बच गया माइनस चौबीस, तो माइनस चौबीस का गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड तो बहुत होगा, जैसे प्लस एक गुने माइनस चौबीस, फिर माइनस एक गुने प्लस चौबीस, इस तरह लिखते जाएंगे। लेकिन तुमको लाना है पाँच एक्स, तो इसका एक गुणनखंड ये भी होगा प्लस आठ एक्स माइनस तीन एक्स, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होना चाहिए, गुना करके इतना। तो गुना करेंगे तो इसमें देखो माइनस चौबीस का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड तो बहुत होगा, एक गुणनखंड ये भी होगा आठ प्लस आठ गुने माइनस तीन होगा, प्लस माइनस माइनस आठ त्रिक चौबीस, एक ठो होगा माइनस आठ, तो अब यहाँ प्लस दो माइनस प्लस माइनस आठ त्रिक चौबीस होगा ना, छः चौका भी चौबीस होता है, तीन चार ठो शुरुआती चरण में लिख करके ट्रेंड हो जाने पर एक बार में पकड़ा जाता है। यहाँ पर हमको गुना करके जैसे माइनस आठ
माइनस आठ और प्लस तीन, यहाँ पर माइनस आठ देते हैं, यहाँ प्लस तीन देते हैं, तो दोनों को गुणा करके ये आना चाहिए। तो माइनस प्लस माइनस आठ त्रिक चौबीस, एक्स एक्स को गुणा किए एक्स स्क्वायर, दोनों को गुणा करने पर इतना आ गया, दोनों को जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो माइनस आठ एक्स प्लस तीन एक्स जोड़ेंगे तो माइनस पाँच एक्स आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला काम नहीं किया। अब इसको आजमाएंगे, प्लस आठ माइनस तीन, तो यहाँ प्लस आठ दो, यहाँ माइनस तीन, तो गुणा करके दोनों बक्सा को गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस आठ त्रिक चौबीस, एक्स एक्स को गुणा किए एक्स स्क्वायर आ गया, और दोनों को जोड़ो तो प्लस आठ एक्स माइनस तीन एक्स प्लस पाँच एक्स होगा, इसका मतलब ये गुणनखंड काम कर गया। कैसे तोड़ेंगे ये सब तो कई उदाहरण तू लोग हिसाब पूर्ण वर्ग विधि गुणनखंड विधि पर बना चुकी हो, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस आठ एक्स माइनस तीन एक्स माइनस चौबीस बराबर जीरो, कितना होगा, प्रथम दो में कॉमन लेंगे, एक्स है कॉमन, तो यहाँ एक्स हो गया प्लस, एक्स को किससे गुणा करेंगे आठ एक्स होगा तो आठ से, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो बीच में यही आएगा, बतलाए है ना, तो एक्स प्लस हर हाल में आएगा गुणनखंड विधि में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो कोष्ठ तोड़ने पर माइनस तीन एक्स आएगा, तो एक्स है तो माइनस तीन से गुणा करना होगा, इसका मतलब तो माइनस तीन से गुणा किए, अब मिला लो माइनस प्लस माइनस, तीन को एक्स से गुणा करेंगे तीन एक्स, माइनस प्लस माइनस तीन अठे चौबीस हो गया। अब माइनस से पहले माइनस के आगे ये कोष्ठ जो है कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक्स प्लस आठ इसमें से कॉमन लेंगे तो ये निकल गया, बच गया एक्स, कॉमन लेने में कोष्ठ देना पड़ता है ना, ये निकल गया तो माइनस तीन बचा बराबर जीरो, इसको मान लेंगे समीकरण एक। सब कुछ काफ़ी डिटेल में बेसॉफ अलजेब्रा में बतला दिए हैं, कॉमन लेना बतलाते हैं ना, कोष्ठ तोड़ना, जोड़ घटाओ गुना, कॉमन लेना, कोष्ठ तोड़ना, तब समीकरण का नियम सब लिखाए हैं, समझाए हैं, तब पूरा समीकरण बतलाए हैं। तो समीकरण जानने पर ही विद्यार्थी गणित जानेगा, अब ऐसा लग रहा है नो इक्वेशन नो मैथ, समीकरण नहीं तो गणित नहीं। तो बेस ऑफ अलजेब्रा का टोटल 40-45 वीडियो बनाया हुआ है, अगर प्रॉब्लम हो तो देख सकती हो, LED की भी व्यवस्था है, तो इसको समझ गई ना। तो समीकरण एक से, समीकरण एक से एक्स प्लस आठ इंटू एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, अगर हम लोग इसको रखेंगे, दो पद है, संपूर्ण कोष्ठ एक पद होता है, ये भी एक पद है, इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, तो m गुने n, तो गुना में आ गया तो एक ठो नीचे में चला जाएगा आगे। अगर इसको रखेंगे, इसीलिए एक्स प्लस आठ बराबर जीरो बटा एक्स माइनस तीन, जीरो में किसी भी संख्या से भागा दे तो अंत में जीरो आएगा, तो जीरो आया, इसीलिए एक्स प्लस आठ बराबर जीरो, इसीलिए एक्स बराबर जीरो, प्लस आठ आगे गया तो माइनस आठ, जीरो में से आठ घटाएंगे तो माइनस आठ, एक्स का एक मान कितना आया, एक्स बराबर माइनस आठ। अगर इसी समीकरण में हम लोग इसको नहीं रख करके इसको रखें, तो आगे वाला को रखेंगे तो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो बटा
एक्स प्लस आठ बराबर जीरो, इसलिए एक्स बराबर जीरो आ माइनस तीन आगे जाएगा प्लस तीन, तो जीरो में तीन जोड़ेंगे तीन, एक्स का दो ठो मान आया, वाई का एक ठो आया, तो दो मान क्यों आया? नाइन्थ में हो, टेंथ का क्लास भी शुरू करवाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण, वैसे बतलाए हैं जिस समीकरण का घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जिस समीकरण का घात तीन हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं, जिस समीकरण का घात एक सौ हो उसे सौघातीय समीकरण या सौ घात वाला समीकरण कहते हैं, जिस समीकरण का घात एक हो उसे क्या कहते हैं बोल? एक घात वाला समीकरण का स्पेशल भी नाम है रैखिक समीकरण। तो दो विधि से तू लोग समझ गई, तीसरी और चौथी विधि अगले पार्ट में बतला ही देंगे।